गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री बीएल मेमोरियल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास सेकंड का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो आज आपको निकालना है पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 पर क्या है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज है। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड की क्या है, एक्सरसाइज है। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके नीचे आंसर के तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है, राइट, उसके आगे आपको राइट का निशान लगाना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देर आर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स, क्या मतलब क्या होता है, पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हमने पढ़ा ही था कि कंप्यूटर के टू पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आपको राइट किसके आगे लगाओगे, टू के आगे, TWO2, यानी कि दो। तो टू के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी गिव टू द कंप्यूटर, यानी कि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए, ए में क्या है, फूड, बी में वाटर और सी में इंस्ट्रक्शन। तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, फूड यानी कि खाना तो देंगे नहीं, पानी तो देंगे नहीं। ठीक है, फिर इंस्ट्रक्शन मीन्स सूचना। तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि सूचना देते हैं कि कंप्यूटर को कौन सा वर्क करना है। तो आपको राइट किसके आगे लगाना है, ऑप्शन नंबर सी के आगे, इंस्ट्रक्शन के आगे आपको राइट का निशान लगाना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इनपुट, फिर है फिलअप्स, फिर है आउटपुट साइकिल, यानी कि कंप्यूटर जो वर्क करता है वो जो साइकिल होता है, हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर किस बेस पे वर्क करता है, एक साइकिल होता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, ये क्या होता है, एक साइकिल होता है। ठीक है, तो देखियो फिलअप्स में क्या आएगा, देखिए ए ऑप्शन है लॉग इन, फिर है प्रोसेस, फिर है लॉग आउट। तो फिलअप्स में क्या आएगा, प्रोसेस आएगा। ठीक है, इनपुट प्रोसेस फिर आउटपुट और साइकिल। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के तीन मेन बेसिक फंक्शन होते हैं, इसके ऊपर वो वर्क करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। फिर आपको क्या करना है, पेपर को टर्न करना है। क्या करना है, पेपर को टर्न करना है। ठीक है, फिर आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट आई फॉर इनपुट डिवाइस और ओ फॉर आउटपुट डिवाइसेस इन द गिवन बॉक्सेस। अब देखिए, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको पिक्चर को देख के क्या करना है, पिक्चर की जो नीचे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स में आपको क्या लिखना है, अगर ये पिक्चर इनपुट डिवाइस की है तो आई लिखना है और आउटपुट डिवाइस की है तो ओ लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी, वेब कैमरा की है। तो वेब कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है तो क्या लिखोगे आप, बॉक्स में क्या लिखोगे, आई लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पिक है स्कैनर की, किसकी, स्कैनर की। तो स्कैनर भी क्या है, स्कैनर के इनपुट डिवाइस है। तो आप बॉक्स में क्या लिखोगे, आई लिखोगे। फिर नेक्स्ट में स्पीकर क्या होता है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो आउटपुट डिवाइस है तो क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में ओ लिखोगे। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का क्या लिखोगे, ओ लिखोगे। फिर देखिए नीचे आपको कौन सी पिक दिखाई दे रही, मॉनिटर की। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपको आउटपुट डिवाइस का क्या लिखना है, ओ लिखना है। क्या लिखना है, ओ लिखना है। फिर नेक्स्ट माउस क्या है, माउस कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या देती है, इंस्ट्रक्शन देती है, सूचना देती है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट का आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है। तो इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस के लिए आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इनपुट का आई लिखोगे। ठीक है, ब्रैकेट में यानी कि जो बॉक्स दिया गया है, बॉक्स में आप इनपुट का आई लिखोगे। अब आपको दोनों एक्सरसाइज को क्या करना है, पहले बुक में कंप्लीट करना है, फिर आपको उसको नोटबुक में कंप्लीट करना है, साथ में आपको उसको लर्न भी करना है। इसके आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।